गाइस अब बात करते हैं मनी सप्लाई एंड उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारी इकोनॉमी में जो स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेशन में है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। लाइक हम आज के दिन की बात करें तो जो भी मनी हमारा सर्कुलेशन में चल रहा है हमारी इकोनॉमी में वो हमारा आएगा अंडर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइज द स्टॉक ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हम किसी कंट्री की मनी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उसके स्टॉक ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में वहाँ पर कितना मनी का स्टॉक है हम उसकी बात कर रहे हैं। मनी सप्लाई इंक्लूड्स दोज कॉम्पोनेंट विच कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ट्रांजेक्शंस, एंड मनी सप्लाई के अंदर हम वो कॉम्पोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं जो कि ट्रांजेक्शंस के लिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलेशन में होने चाहिए वो सारे कॉम्पोनेंट्स, एंड इसमें सबसे पहला है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और करेंसी हेल्ड आउटसाइड बैंक्स। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक या फिर करेंसी हेल्ड आउटसाइड बैंक्स का मतलब है वो करेंसी जो कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट बिजनेस के पास है, क्योंकि गाइस वो जो करेंसी है वो सर्कुलेशन में है, किसी भी वक्त उस करेंसी का यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांजेक्शन। तो वो जो मनी है एक तरह से अभी सर्कुलेशन में ही है। एंड नेक्स्ट है नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो जो भी कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं अगेंस्ट विच चेक आर इशूड, जिनके अगेंस्ट चेक इशू हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी डिपॉजिट है जिसके अगेंस्ट चेक इशू हुए हैं तो इसका मतलब जब भी उस चेक में कोई अमाउंट फिल करके बैंक में लाता है तो वो एक तरह से एक ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो चेक जो है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इशू किए जा सकते हैं, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट है जिसके अगेंस्ट चेक इशू हैं वो कभी भी ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जेब में पैसे होते हैं, हम अगर कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो हम उस मनी को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह कमर्शियल बैंक में भी कुछ पैसा डिपॉजिट है जिसके अगेंस्ट चेक इशू है, अगर आप चेक लाकर वो पैसे निकालते हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, ये सारा मनी सर्कुलेशन में चल रहा है। एंड गाइज यहाँ पर हम जनरली एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात करते हैं, जैसे आज के दिन जितना भी मनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है या फिर बिजनेसेस के पास है एंड कमर्शियल बैंक में जो मनी है जिसके अगेंस्ट चेक इशू है वो सारा मनी एक तरह से सर्कुलेशन में है। तो वो जो स्टॉक ऑफ मनी होगा जो सर्कुलेशन में है वो हमारा कहलाएगा मनी सप्लाई। एंड इट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एज देयर कैश रिजर्व्स। गाइस जो भी करेंसी कमर्शियल बैंक के पास है एज कैश रिजर्व्स वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन मनी सप्लाई, क्योंकि मनी सप्लाई में हम वो मनी इंक्लूड करते हैं जो कि सर्कुलेशन में है। एंड अगर किसी कमर्शियल बैंक ने कोई कैश रिजर्व बना रखा है तो वो उसे यूज़ नहीं करती है, वो उसे तब यूज़ करेगी जब कोई कस्टमर बैंक में विड्रॉल के लिए आएगा। एंड हम रोज़ विड्रॉल नहीं करते हैं क्योंकि लाइक बैंक में कोई भी कस्टमर जो आता है वो काफ़ी टाइम के लिए अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, एंड जो चेकेबल जो डिपॉजिट्स होते हैं वो तो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो मनी सप्लाई में इंक्लूड है। लेकिन ये हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत रेयर केस में होता है। इसीलिए ऐसा जो मनी है जो कैश रिजर्व में रखा हुआ है कमर्शियल बैंक ने वो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। एंड देन है स्टॉक ऑफ गोल्ड हेल्ड विद सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक के पास जो भी गोल्ड है वो भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये गोल्ड भी ऐसा नहीं है कि हम कभी भी इसे यूज़ कर लें। तो जनरली ये सर्कुलेशन में हर दिन तो नहीं है ना, इसलिए इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट है कैश हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन ट्रेजरी एंड विद सेंट्रल बैंक। विद द सेम रीज़न हम जो कैश है हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन ट्रेजरी, यानी कि जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो भी कैश रखा हुआ है एंड जो गवर्नमेंट का कैश सेंट्रल बैंक के पास रखा हुआ है इसे भी हम मनी सप्लाई में यूज़ नहीं करते हैं। ओवरऑल हम सिर्फ वो मनी मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं जो सर्कुलेशन में है, एंड जो भी मनी हमने स्टोर करके रखा हुआ है वो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि कोई FD वगैरह भी है तो वो क्या है, एक जगह स्टोर करके रखी हुई है तो उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं कर सकते। सो मनी सप्लाई ओनली इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।